हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। सो अगर आप क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप डीआईवाईज बनाने के बहुत शौकीन हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई सामान बनाते हैं या ज्वेलरी बनाना पसंद करते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक हॉल वीडियो है जिसके अंदर मैं कुछ अपनी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने ऑनलाइन की थी। ज्वेलरी मेकिंग का सामान है बेसिकली, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या फिर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने एक राखी मेकिंग का वीडियो बनाया था और एक हैंड मंगलसूत्र का वीडियो बनाया था जिसे मंगलसूत्र ब्रेसलेट भी कहा जाता है। तो उन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए आपको नहीं पता है कि मैं कितना मतलब मार्केट ढूंढा था, मार्केट घूमी थी। आप जानते हैं कि मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पर वैसे ही ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपको किसी शॉर्ट डिस्टेंस पर भी जाना है तो आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स नॉर्मल है यहाँ पर कहीं भी जाना हो, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना हो तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उस टाइम पर मुझे कुछ ज्वेलरी मेकिंग का सामान चाहिए था और जहाँ पर मैं रहती हूँ उस आसपास के एरिया में मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो आई वेंट टू अ मार्केट जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि ज्वेलरी मेकिंग सप्लाईज की ही एक मार्केट है। तो वहाँ पर जाने में मुझे 2 घंटे तो वैसे ही लग गए थे सिर्फ पहुँचने में। उसके बाद इतना ढूंढने के बाद, इतना घूमने के बाद भी मुझे इतना सामान नहीं मिल पाया था। मैं जब इंदौर में थी व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो तब मैं और मेरी कजिन मिलके हम लोग ज्वेलरी बनाते थे, शौक से बनाते थे। उन्होंने सीखा था बनाना, वो सेल भी करती थी मेरी सिस्टर जो थी, लेकिन मैं तो बस ऐसे शौक से अपने लिए बना लिया कुछ पीसेस। तो इंदौर में क्या होता था, जो मार्केट होती थी वहाँ पर आप जाएंगे शॉप पर, वहाँ जाकर वो आपको फोटोग्राफ्स दिखा देंगे कि अगर आप ये पीस बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, वो एक बॉक्स में उसका सारा सामान होता है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं और कुछ ऐसे आपको ढूंढना नहीं पड़ता। बट जब मैं यहाँ की मार्केट में गई, एक तो फर्स्ट टाइम गई थी, ऊपर से ईश भी था साथ में, तो उसके साथ इतना ज़्यादा मार्केट घूमना तो आप भूल ही जाओ, बच्चे के साथ आप समझते हैं क्या होता है। तो मुझे बहुत मुश्किल से बहुत थोड़ा सा सामान मिला था, उसी से मैंने वो चीज़ क्रिएट करी थी। लेकिन जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया कि अपनी ओल्ड बैंगल्स को मैंने किस तरह से रीयूज़ किया, तो उस टाइम पर मुझे चाहिए था सिल्क थ्रेड ज्वेलरी का सामान। अब मुझ में बिल्कुल इस बार इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मार्केट जाऊँ और ढूंढूँ, तो मैंने फिर ऑनलाइन अपनी सर्चिंग स्टार्ट करी कि मुझे कहाँ से बेस्ट प्राइस पर मिल सकता है। उस सर्चिंग के साथ ही मुझे अमेजोन पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखी, लेकिन अमेजोन से आप तब खरीद सकते हैं जब आपका काम ही ये है, जब आप इस बिजनेस में हैं और आप रेगुलरली बनाते हैं तो वहाँ से इकट्ठा पैकेज खरीद सकते हैं। मेरी तरह लोग जो कि सिंगल बनाते हैं या शॉप से बना लिया और रख दिया, उस तरह के लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट ढूंढ रही थी। तो मुझे एक वेबसाइट मिली, उसका नाम है craftgully.com। उसे ओपन करते ही इतना बड़ा खजाना है उसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज्वेलरी मेकिंग में भी तरह तरह की ज्वेलरीज बनाने का वहाँ पर सामान है, क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत है, क्विलिंग जो होती है क्विलिंग आर्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्सन है ना तो वो आपके लिए एक समझ लीजिए आप एक ट्रेजर है। जब रेट्स देखेंगे तो बहुत ही मिनिमम रेट्स हैं। यू नो क्राफ्ट गली से लेने में ये फायदा है कि अगर आप बहुत थोड़ा सामान मंगवाना चाहते हैं, लाइक जब मैंने बैंगल्स को रीयूज किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस बैंगल के बाद क्या करने वाली हूँ या मैं ये बैंगल भी ठीक से बना पाऊंगी या नहीं, मुझे ऐसा लगता था। तो वो अच्छे से हो गया, देन मेरा क्रेज और ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम पर मैंने उनसे बहुत ही थोड़ा सामान मंगवाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, आप वो वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने मेंशन किया है मैंने क्या क्या मंगवाया था। तो वो कुल 4 से 5 चीज़ें ही मंगवाई थी बस, जो उस पर्टिकुलर एक बैंगल बनाने के लिए ज़रूरी थी। इस बार मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ बनाने का, होपफुली सब कुछ सक्सेसफुल रहेगा तो वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है एंड किस रेट में मंगवाया है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप भी कुछ बनाना चाहते हैं या मेरे वीडियो देखकर या बाहर से कोई भी वीडियो देखकर अगर आप अपने लिए खुद के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से सामान ले सकते हैं, किस तरह का आता है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि वो आपको हर परचेज पर एक गिफ्ट देते हैं, फ्री गिफ्ट। लास्ट परचेज मेरी हार्डली
200 या 250 रुपए की थी। उस पर भी उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, वो बटरफ्लाई शेप के वुडन बटन्स थे, बहुत ही क्यूट से थे वो। उन्हें भी मैं किसी DIY में यूज करूंगी। एंड दिस टाइम वो मैं आपको इस बार भी उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या मंगवाया। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक ग्लू, ये मुझे 59 रुपीज़ का मिला है। ये आई थिंक क्राफ्ट गली का ही है क्योंकि उसके ऊपर लिखा है हैप्पी क्राफ्टिंग। जो भी प्रोडक्ट वो भेजते हैं उस पर एक टैग लगा होता है हैप्पी क्राफ्टिंग का, तो आई गेस ये क्राफ्ट गली का ही है फैब्रिक ग्लू। अभी इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, जब यूज़ करूँगी तो आपको मैं बताऊँगी। नेक्स्ट है ये एक्रिलिक बैंगल्स, ये मैंने 2x10 साइज की ली है, 2x10 साइज जैसे कहा जाता है, 5 mm की है, रेड कलर में है और ये 40 रुपीज की यहाँ पर मुझे 4 बैंगल्स मिले हैं। अगेन मैं सिल्क थ्रेड से ही इसे बनाने वाली हूँ। सो कलर ऑप्शंस आपको बैंगल्स में नहीं मिलेंगे, वो रैंडमली कोई भी कलर का आपको भेज देते हैं, तो वैसे भी इसके ऊपर थ्रेड आ जाएगा तो कलर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ चांद वाली का सेट, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टैग हैप्पी क्राफ्टिंग, तो उनके हर उस पर ये लिखा हुआ होता है। तो ये है चांद वाली के 2 सेट्स जो कि मुझे मिले हैं 10 रुपीज़ ईच। इसका जो साइज़ है, एक्चुअली जब मैं परचेज कर रही थी तो मुझे वहाँ पर साइज़ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कौन सा साइज़ मंगवाना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा तो होता है इतने mm उतने mm, बट ये मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सा मंगवाओ, मैच करेगा या नहीं। तो मैं आपको एक आइडिया के लिए बता देती हूँ कि ये है 32 mm का चांद वाली बेस, ईयरिंग बेस या पेंडेंट बेस, आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये 10 रुपीज़ का है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये मेरे हाथ पर मैंने रखा है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये थ्री कितने mm का था ये, हाँ अगर उन्होंने कहा कि 32 mm का इसका 32 mm है तो उसका साइज़ तकरीबन इतना होगा। तो ये मैंने यहाँ पर 2 पेयर्स मंगवाए हैं 10 रुपीज़ ईच, और ये जो है ये चांद वाली का बेस है, तो यहाँ पर 12 का ये पैक है और ये 15 रुपीज़ का पैक है और ये है 14 mm। तो ये आप साइज़ देख सकते हैं, अगर मैं अपने हाथ पे रख के आपको दिखाऊँ तो ये कितना बड़ा रहेगा। इन दोनों को मिक्स करके कुछ इस तरह की बाली बनने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ ग्लिटर्स मंगवाए हैं अगेन DIY करने के लिए, तो ये ग्लिटर मुझे पड़े हैं 35 रुपीज़ ईच। ये है गोल्डन, ये है सिल्वर और ये है रेड कलर, डार्क रेड कलर। सो ये मुझे 35 रुपीज़ ईच में ये वाले ग्लिटर्स मिले हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर येलो कलर का ये थ्रेड मंगवाया है, दिस इज़ शेड 35L एंड ये 25 रुपीज़ का थ्रेड है। पहले आप जैसे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मेरे पास मरून कलर का थ्रेड था एंड गोल्डन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ब्लैक भी नहीं था, बल्कि इतने कॉमन कलर्स हैं। तो क्राफ्टगली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐड कीजिए अपने स्टॉक में, मुझे ब्लैक तो चाहिए ही था बट ब्लैक मुझे इस बार भी नहीं मिला, गोल्डन भी नहीं मिला, तो मैंने ये येलो कलर लिया है। एंड समवेयर ये मुझे गोल्डन का ही शेड दे रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो गोल्डन का ही लुक दे रहा है, तो मुझे लगा ठीक है इसे परचेज कर लेना चाहिए। सो ये थ्रेड है, ये मुझे मिला है 25 रुपीज़ में। देन मेरे पास है ये फॉक्स पर्ल की चेन, ये है 2 mm की 18 inches, कलर है इसका गोल्ड एंड क्रीम। तो आपको एक आइडिया दे देती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि ये कितना बड़ा आने वाला है। तो 2 mm यानी कि इसके जो मोतियों का जो साइज़ है वो 2 mm का होगा और ये 18 inches की चेन है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर अगर मैं दिखाऊँ तो आपको कुल इतनी बड़ी ये चेन आपको मिल जाती है, डबल है ये, तो साइज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये एक पैकेट मुझे मिला है 59 रुपीज़ में, तो मैंने इसके 3 पैकेट्स मंगवाए हैं। फिर मैंने ये वाले फ्लैट बेस में ये मैंने पर्ल्स मंगवाए थे, इनका साइज़ है 4 mm और ये 5 ग्राम का पैकेट है, इसमें काउंट्स नहीं होंगे ऑब्वियसली। 25 रुपीज़ में मुझे मिला था फ्लैट बैक पर्ल्स, इनका जो कलर है वो है क्रीम और 4 ग्राम के हैं 25 रुपए के, सॉरी 4 mm के हैं 25 रुपए के, 5 ग्राम इसका वेट है।
नेक्स्ट फिर से मैंने ये फ्लैट बैक पर्ल्स मंगवाए हैं, ये थोड़ा सा क्रीम कलर में थे एंड ये बिल्कुल वाइट कलर में है, इन्हें राउंड आइवरी कहा है। ये भी इनकी भी जो बैक है ये फ्लैट है, अगेन 5 ग्राम का है और ये 3 mm का। आप साइज अगर कंपेयर करना चाहें तो ये 4 mm और ये 3 mm। वेबसाइट पर आप यही है कि आप ये नहीं देख पाएंगे कि साइज़ उसका कितना है, कई बार 4 mm, 5 mm, 6 mm पर भी ये सेम फ़ोटो लगी हुई है तो आप नहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे। मैंने तो बहुत कुछ सोचने के बाद ये ऑर्डर किए, तो ये अगेन मुझे 35 रुपीज़ में एक पैकेट है, 5 ग्राम, 3 mm, वाइट कलर। देन ये कुछ लॉरियल्स हैं, अगर आपने देखा होगा ये इंडिविजुअल होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह के दिखते हैं, इन्हें लॉरियल्स कहा जाता है और ये बंच में हमेशा यूज़ होते हैं। ये भी मैंने 5 ग्राम का मंगवाया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मंगवाया है राइनस्टोन का ड्रॉप। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है ये एक पत्ती के शेप में होता है, इसे ड्रॉप कहा जाता है। फ्लैट बैक है तो इसे आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे ज्वेलरी में ही यूज़ करूँगी अगर मुझे ज़रूरत लगी तो। ये जो साइज़ है ये 6 mm का साइज़ है, 6 mm की ये ड्रॉप है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना साइज़ बनेगा 6 mm में। ये 50 हैं इसके अंदर जो ड्रॉप्स हैं, मरून कलर का है एंड 30 रुपीज़ का ये पैकेट है। ये मैंने गोल्डन क्लास्प मंगवाए हैं, हुक्स कह सकते हैं आप इन्हें। कहीं पर भी अब आप जानते हैं नेकलेस वगैरह अगर आप बनाएंगे तो उसे जोड़ने के लिए ये क्लास्प की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिला है। सिर्फ 15 रुपये में मुझे यहाँ पर 25 क्लास्प मिल गए हैं 12 mm के। एक मैंने यहाँ पर पर्ल स्ट्रिंग मंगवाया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, तो ये बहुत ही कम होता है, इससे आप ज़्यादा चीज़ें एक पैकेट में नहीं बना पाएंगे। 18 इंचेस की ये पूरी स्ट्रिंग होती है, आप इसे कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इसका जो तो साइज़ है ये है 3 mm का और ये मुझे मिला है 75 रुपये का, यानी कि 75 रुपीज़ का। ये कुछ ईयरिंग स्टड्स हैं जो कि बैक में लगते हैं और उसके साथ उसके स्टॉपर्स भी हैं साथ में। तो यहाँ पर है 6 mm का साइज़ है इसका, ये देखिए ये 6 mm का साइज़ है। 5 pairs यहाँ पर मुझे मिले हैं 30 रुपीज़ के। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये स्टड है और ये इसके साथ इसका स्टॉपर है इस तरह से, और साइज़ अगर आप देखना चाहें तो ये इतना साइज़ है। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री गिफ्ट देते हैं वो, तो ये मुझे उन्होंने फ्री गिफ्ट दिया है। इसे कहा जाता है बॉल चेन और ये मुझे हल्का सा पर्पल शेड कह सकते हैं, गोल्डन और पर्पल शेड के हैं ये, तो देखते हैं इसे मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे गोल्डन या वाइट दे देते तो मेरा काम बढ़िया हो जाता। वेल एनीवे, फ्री गिफ्ट्स में मुझे कभी भी ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो हमेशा जो फ्री गिफ्ट्स आएंगे वो इस टैग के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग क्राफ्टकली। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर ऐसा है तो आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, किस साइज़ का होगा। जब मैं ख़रीद रही थी तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ कि जो दिख रहा है वो वैसा आ रहा है कि नहीं, साइज़ कौन सा आ रहा है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सारे वीडियोस के टाइटल्स देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चैनल थोड़े भी काम का है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बना दीजिए इस कम्युनिटी को बहुत ही बड़ा। तो चलिए अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।